हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव सिर्फ एक ही है, हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव यह है कि कोई भी पाकिस्तानी दुनिया में जिस कोने के ऊपर हो, जब उससे पूछा जाए कि आपका ताल्लुक कहां से है तो वो सीना तान के कहे पाकिस्तान से। ये वो नैरेटिव है, ये वो बयानिया है जो इमरान खान से पहले पाकिस्तान में किसी लीडर ने नहीं दिया। अपने आप के ऊपर एतमाद, अपनी कौम के ऊपर एतमाद, अपने लीडर के ऊपर एतमाद, और आज पूरा पाकिस्तान इमरान खान को इसी एतमाद से देखता है। आज जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था जेलम से, तो मैं अपने जो सारे हमारे वोटर हैं, दोस्त हैं, जाहिर है एक मेरा नस्लों से ताल्लुक है वहां से, मैं उनसे ये बात करता था कि जब भी आप वोट दें या जिसको आप अपना लीडर बनाएं, किसी ऐसे को ना बनाएं जिसका अपना कोई कद ना हो, जिसकी अपनी कोई हैसियत ना हो। ऐसे शख्स को लीडर बनाया जाता है जो आपकी इज्जत में इजाफा करे, जो तो किसी ने सिर ते पग रखी दी है उदा शिमला उच्चा होना चाहिए, इतना छोटा ना हो कि वो बंदा ही जो है वो नीचे बैठ जाए। आज आप गवाह हैं, हमें आलू टमाटर की कीमत तो बड़ी है, पूरी दुनिया में बड़ी है और जगहों के ऊपर भी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी चीज की कोई चीज बड़ी है तो वो पाकिस्तानियों की इज्जत बड़ी है। आज हम फखर से जब पासपोर्ट अपना सामने रखते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो हम कहते हैं हमारा वजीर आजम इमरान खान, हमारा सदर या वजीर आजम वो नहीं है जो चिट्टे लेके अमेरिका के सदर के सामने बैठ जाए और जिसकी कांपें टांग रही हो। आज जब इमरान खान बात करता है, जब वो प्रेसिडेंट शी से बात करता है, जब वो प्रेसिडेंट पुतिन से बात करते हैं, जब इमरान खान अमेरिका में जाके बात करता है, तो आपको और मुझे यकीन होता है ये हमारी इज्जत पे आंच नहीं आने देगा, इजाफा ही करके आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये है वो लीडर जिसकी तरफ मैं और आप सर उठा के देखते हैं, कभी सर झुका के नहीं देखने की जरूरत पड़ी। इसलिए ये जो आज का सारा इज्तमा है, और मुझे बड़ी खुशी है कि पूरे दुनिया से तरीके इंसाफ के मुंतखब सदूर और यहाँ पे जो है ये लोग आए हैं, और मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ओवरसीज कमेटी को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। बाकी मौजूदात के ऊपर तो बात होती रहती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वक्त हकूमत में और अपोजिशन में जो सबसे ज्यादा लड़ाई की बात है, जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर तनाज़ा है, उस तनाजे में यह है कि वो कहते हैं कि 90 लाख पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर है वो वोट का हक नहीं रखता, हम कहते हैं वो हमसे ज्यादा हक रखता है। आज पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, आज अगर 31 अरब डॉलर पाकिस्तान को ना भेजते तो आज पाकिस्तान की मईशत बैंक्रप्ट हो चुकी होती, आज पाकिस्तान की हमारी कमर टूट चुकी होती। तो मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे पीछे खड़े हुए और आपने आपने पाकिस्तान का हाथ पकड़ा। और आप यकीन कीजिए, हम आपके एहसान मंद हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं, और यह भी यकीन रखिएगा कि हम किसी भी लालच में, किसी भी हुकूमत में ओवरसीज पाकिस्तानी के राइट से पीछे नहीं हटेंगे, हम लेके रहेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान में वोट डालना ओवरसीज पाकिस्तानी का हक है, और यह हक इंशाल्लाह ताला इमरान खान उनको दिलाएंगे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो उनको दिलाएगी। इसलिए ये लोग खौफजदा हैं, ये आपके वोटों से खौफजदा हैं। अगर इलेक्शन आमतौर पर चलते जाए, उसकी वजह क्या है? जब हम एक गांव में होते हैं तो हम अपने, हमारा एक स्कोप होता है, हम अपने लड़ते बिड़ते रहते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होता।
फिर जब आप शहर में चले जाते हैं तो आपको लगता है कि गांव के मसाइल और थे, आप अपने गांव का तहफ्फुज़ करते हैं। फिर जब आप सूबे में चले जाते हैं तो फिर आप अपने सूबे का तहफ्फुज़ करते हैं। यहां पे जो पाकिस्तान के अंदर लोग बटे हुए हैं, अपनी जाति मामलात की वजह से कबीलों में बटे हुए हैं, अपने जातों में बटे हुए हैं, अपने मुफादात में बटे हुए हैं, उनकी सोच जो है वो यहां मुकामी सोच के तौर के ऊपर तकसीम है, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसकी सोच, अगर आपने असल कौमी सोच का इजहार देखना है तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी की सोच है। आज इमरान खान क्यों सबसे पॉपुलर लीडर है ओवरसीज में? नवाज शरीफ और जरदारी तो उसके करीब भी नहीं है। नवाज शरीफ और जरदारी साहब के लिए तो पार्क में चलना मुश्किल हो जाता है आजकल। हमें कह रहे थे, ये जो मरियम बीबी कह रही थी कि इमरान खान बाहर निकलो तो तुम्हें पता चले, हम तो बाहर निकल के लाखों के इस्तेमाल से बात कर रहे हैं। इमरान खान आप निकल के दिखाओ। वो एक चूहा जो था ना, वो शराब के ड्राम में गिर गया और बाहर निकल के कहता है, किधर है शेर मेरे, हौसलों में मेरे। ये अपोजिशन है। वो 24-48 घंटे शराब के ड्राम चो निकले, नैना ने को ललकारे है और शब खत्म हुआ नशा तो पता चला अगे वड्डा शेर सी, वही निकल आया बाहर। उन्हें क्या आओ फिर सामने। आपने देखा जो मेलसी में जलसा हुआ, आपने देखा जो हाफजाबाद में जलसा हुआ, फिर बोनेर में जलसा हुआ। इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जो चारों सूबों का, गिलगित बल्तिस्तान का, कश्मीर के लोगों के दिल उसके साथ धड़कते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी के दिल उसके साथ धड़कते हैं। इनमें माई के लाल नवाज शरीफ को, जरदारी को, इनके बच्चे बचुंगड़ों को कहता हूं, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। आप आओ जरा, जिस तरह इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जलसा करके दिखाता है, तुम लोग भी निकल के करके दिखाओ जरा, माई के लाल बनो। वो जो जरदारी साहब है, बेनजीर भुट्टो, जुल्फार अली भुट्टो, कोई मुझे शक नहीं है बहुत बड़े लीडर थे पाकिस्तान के। जो काम जनरल जियाउल हक नहीं कर सका, पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी को वो महदूद नहीं कर सका, जरदारी साहब ने 7 सालों में जनरल जियाउल हक का ख्वाब पूरा कर दिया, पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। और ये जो जनरल जियाउल हक के पैदा किए गए नवाज शरीफ है, बंदे में इतनी गैरत होनी चाहिए जी। बंदे में इतनी गैरत होनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूं, अगर किसी का भी कोई छोटा मोटा दिल होता, किसी का छोटा मोटा भी, और ये जो इखलाकी हैसियत है जो नवाज शरीफ एंड कंपनी की, जनरल जियाउल हक से कोई और लोग इख्तलाफ करें, पीपल्स पार्टी वाले लोग इख्तलाफ करें, बाकी लोग इख्तलाफ करें, उनका हक है। लेकिन जब आप जनरल जियाउल हक के बच्चों की तरह आए थे, आप, उन्होंने आपको पाला पोसा, पंगूड़े में दूध दिया, आपको बड़ा किया, आज जब उसकी कब्र की बेहुर्मती हुई तो जुर्रत करते और कहते पीपल्स पार्टी ने गलत किया। बेशर्म लोग हैं जो अपने मौसरों के साथ खड़े नहीं होते। और आज मैं आपको बताऊं, ये अभी से डर गए हैं, हमने उस दिन कह दिया कि इंशाल्लाह ताला डी चौक में 10 लाख आदमी होगा, और अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई, जो मुझे उम्मीद है नहीं आएगी, अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई तो मैंने कहा कि हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है
कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। हम भी देने का, मैंने कहा जरा कलेजा टेस्ट करेंगे कि उसका क्या कलेजा है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो नौबत नहीं आएगी और हम ये मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाएंगे। आखिर में असद उमर साहब भी आ गए, तो मैं सेक्रेटरी जनरल साहब, सारी ओवरसीज जो हमारे दो जो लोग मुझे मिले हैं, मैं उनकी एक ख्वाहिश आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक तो ये कि मेंबरशिप फीस कम कर दें, और दूसरी ये कि तंजीमें जो हैं वो एक एक साल के लिए बढ़ा दें। ये दो काम कर दें तो हम इंशाल्लाह इससे भी बड़े इस्तेमाल जो है वो कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे तमाम ओवरसीज कन्वेंशन इस्लामाबाद में जारी। वफाकी वज़ीर-ए-इत्तला चौधरी थे, लिटरेचर के साथ उनका